हेलो एवरीवन, वेलकम टू QCL, इट्स मी शीनम। आज मैं आप लोगों को मैथ्स ट्यूटोरियल में डिवीजन करना सिखाऊंगी, डिवीजन के ट्रिक बताऊंगी वैदिक मैथ से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिवीजन करना, ठीक है। तो जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब में देखा था कि बेस 10 लेते हैं हम, छोटे नंबरों के लिए क्या लेते हैं 10, ठीक है। तो किसी भी चीज में मल्टीप्लिकेशन हो या किसी भी चीज में हो, हम 10 टू द पावर का यूज करते हैं। हाँ, कैसे? मतलब अगर 10 की पावर 1 होगी दैट मीन्स 10, 10 की पावर 2 होगी दैट मीन्स 100। तो यही हम बेस 1, बेस 10, बेस 100 लेके चलते हैं, है ना, नंबरों के हिसाब से। तो अब मैं बेस 1000 तक के क्वेश्चन आपको आज कवर अप करवा दूंगी। मैं अभी लेके चल रही हूँ बेस 10 पहले, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ बेस 10 से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है हमारा 9 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। हमें 9 को डिवाइड करना है 25 से। अब जो 9 है, इसलिए मैंने बेस 10 लिया। 9 सिंगल डिजिट है, इसके लिए मैंने बेस 10 लिया है क्योंकि 10 के पास में, ठीक है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले आप एक कॉलम बना लीजिए, वो 9 की कॉलम होगी, ठीक है। एक लाइन खींच ली, वो 9 लिख के एक लाइन खींच ली, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कितने नंबर है, 25। अब डिवीजन में क्या है, आप जितना बेस लेंगे उसे आपको लास्ट में रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना रही हूँ, ठीक है। 3 कॉलम बने हैं हमारे, दो डंडे खींच के 3 कॉलम बन गए हमारे। तो एक में 9 लिखना है, अब हम बेस 10 लिख रहे हैं, मतलब जितना एक जीरो होता है उतने नंबर पीछे होते हैं। तो यहाँ पे 10 है, दैट मींस, या फिर आप ये कह सकते हैं, हाँ 10 है, बेस 10 है, तो यहाँ पे एक नंबर होगा। बेस 100 होगा तो 2 नंबर होंगे, बेस 1000 होगा तो 3 नंबर होंगे। कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें जिसे डिवीजन डिवाइड करना है वो लिखेंगे, जिसे हम डिविजन कहते हैं, जिसे डिवाइड करना है उसे हम मिडिल कॉलम में लिखेंगे, और उसमें से एक नंबर को हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, या फिर आप ये कह सकते हैं लेफ्ट राइट एंड मीडियम, ठीक है। तो लेफ्ट में मैंने रखा है 9। अब चूंकि हम पे पास डिजिट है 2, तो यहाँ पे क्या है, 25 है। चूंकि हम बेस 10 लेके चल रहे हैं तो राइट हैंड साइड में एक डिजिट आएगा ही आएगा। तो एक डिजिट में क्या लिखूंगी, 5, क्योंकि पीछे से लिखते हैं 5 है, तो 5 है। बचा हुआ डिजिट क्या है, 2, 25 का बचा हुआ डिजिट क्या है, 2, वो मैं मीडियम वाले कॉलम में लिखूंगी, ठीक है। तो आपको जैसे कि वीडियो में नजर आ रहा होगा इजिली, तो स्टार्ट करते हैं डिविजन करना। तो बेस 10 9 से कितना कम है, 1 कम है, तो 9 के नीचे लिख लीजिए, 9 वाले कॉलम के नीचे लिख लीजिए, 9 के नीचे लिख लीजिए 1, ठीक है। अब मैं एक लाइन खींचूंगी, दोनों लाइनों को क्रॉस करती हुई एक सीधी लाइन खींचूंगी, ऐसे जो लेफ्ट टू राइट जाएंगी, ऐसे लाइन खींचूंगी जो लेफ्ट टू राइट जाएंगी, ठीक है। जो 9 से होते हुए 5 को क्रॉस करती हुई जाएंगी नीचे, उनकी डंडियों को, उनके कॉलम को, ठीक है। तो मैंने ऐसी लाइन खींच दी जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, तो उससे हमें क्या मिल गया, बॉक्स मिल जाते हैं, बॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जो पहला नंबर है मीडियम लेटर में, पहला नंबर कौन सा है मीडियम कॉलम में, 2, इसे ऐसे ही लिख लीजिए, आपसे ड्रॉप डाउन कर लीजिए ऐसे ही, तो हम 2 एज इट इज ड्रॉप डाउन कर लेंगे, ओके। तो मैंने लिख दिया मीडियम कॉलम में ही, नीचे लिख दिया लाइन जो मैंने क्रॉस करते हुए बनाई उसके नीचे लिख दिया, ठीक है। अब जो 2 है, वो जो 1 है, 9 के नीचे जो 1 है, उससे मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगी, 2 1 2, ठीक है, 2 1 2। अब 2 को मैं लिखूंगी, जो 2 1 2 आया उसको लिखूंगी मैं राइट हैंड साइड के कॉलम 5 के नीचे, 2 1 2, तो ये 5 के नीचे लिख दिया मैंने 2। अब ये 5 और 2 को प्लस कर लीजिए, क्या आ गया, 7, क्या आ गया, 7। अब ये जो 7 है, ये राइट हैंड साइड में जो हमने सॉल्व किया 5 और 2 को, जो ये 7 है, ये रिमाइंडर है, क्या है भाई, ये रिमाइंडर है, शेषफल जिसे कहते हैं। और ये जो 2 है हमारा मीडियम कॉलम में, जो आंसर आया हमने एज इट ड्रॉप डाउन कर लिया, दैट इज कोशेंट, भागफल, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं इसे, और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो मैं पहले क्लेम कर दू, मैं बेस 10 से ही एक क्वेश्चन और उठा रही हूँ ताकि आपको और इजीली समझ में आए, और फिर हम थोड़े से इससे बड़े क्वेश्चन देखेंगे तो आप और इजीली समझ सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। अब मैंने पहले टू डिजिट से डिवाइड किया, अब मैं 9 का डिवाइड, आप कहेंगे 9 क्यों ले रही है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। 9 का मैं डिवाइड कर रही हूँ 170 से, ठीक है। अब मैं लिखूंगी लेफ्ट हैंड साइड, पहले तो 3 कॉलम बना लूंगी, ठीक है। ये मैंने बना लिया कॉलम, देख लीजिए आप, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में 9 लिखूंगी, अब चूंकि बेस 10 लिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में एक नंबर होगा, तो क्या आएगा 170 का 0 आएगा, ओके। आगे मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया। अब मिडिल कॉलम में मैं क्या लिखूंगी, 17, 1 and 7, ठीक है, 1 and 7। अब ये 9 बेस 10 से कितना कम है, 1 है, कम है तो 9 वाले कॉलम के नीचे लिख लीजिए, 9 के नीचे लिख लीजिए 1, ठीक है। अब मैं सीधी लाइन खींचूंगी, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए, तीनों लेफ्ट टू राइट लाइन खींचूंगी सीधी, एकदम लंबी नहीं सीधी, और मैं क्या कहते हैं सॉल्व करूंगी क्वेश्चन का। अब पहला नंबर क्या मिडिल कॉलम का, 1 17 का 1, तो 1 को एज इट इज ड्रॉप डाउन कर लीजिए आप पहले नंबर को, ये मैंने लिख लिया। अब 1 का मल्टीप्लीकेशन जो हमारे बेस 10 से 1 कम था उससे करेंगे हम, 9 के नीचे जो 1 है, 1 का मल्टीप्लीकेशन मैंने 1 से किया, क्या आया 1, ओनली 1, तो वो मैंने 7 के नीचे लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया 7 के मिडिल कॉलम के, ठीक है। तो ये मैंने 7 के नीचे लिख दिया। अब 7 और 1 को आप प्लस कर लीजिए, क्या आएगा 8, 7 और 1 प्लस किया हमें क्या मिला 8, ठीक है। ये मैंने लिख दिया मिडिल वाले कॉलम में सॉल्व करके, 7 + 1 = 8, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये करूंगी 8 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करूंगी और उसे राइट हैंड साइड वाले कॉलम में लिखूंगी, 8 × 1 = 8, तो मैंने 0 के नीचे लिखा राइट हैंड साइड में 8। अब 0 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 8, और हमारा कोशेंट क्या आया भाई 18, क्या आ गया 18। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं बेस 10 से रिलेटेड, मैं क्लीन कर रही हूँ बेस 10 एज इट इज लिख रही हूँ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, सिक्स 8 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, सॉरी क्या है, 6 7 2 4 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब मैं 8 से, अब मैंने दूसरा नंबर ले लिया, क्या ले लिया 8, अब मैं क्या है 6 7 2 4 को डिवाइड कर रही हूँ 8 से। हम वैदिक मैथ से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अब चूंकि बेस 10 है तो एक ही नंबर राइट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में पहले 8, लिखिए आप राइट हैंड, ये सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में 8 लिखिए, ठीक है। और एक नंबर हमें राइट हैंड साइड में लिखना है क्योंकि हमने बेस 10 लिया है, जितना 0 होता है उतने नंबर लिखते हैं राइट हैंड साइड में, बेस 10 है तो इसलिए एक नंबर ही आएगा, पीछे से लिखिए 4, ठीक है। अब बचे कितने, 6 7 2, 6 7 2 को आप मिडिल में लिख लीजिए, ठीक है। अब 8 10 से कितना कम है, 2 कम है, 10 कम है, तो 8 में से 10 कम है मतलब 2, तो 8 के नीचे लिख दीजिए आप 2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम, लाइन सीधी खींच ली है मैंने। अब 6 को एज इट इज ड्रॉप डाउन कर लीजिए, पहले नंबर को हम एज इट इज लिख लेते हैं, 6 2 12 लिखिए आप 7 के नीचे, तो 7 और 12 कितना हुआ भाई, 7 और 12 हुआ आपका 6, सॉरी 7 और 12 7 7 और 9 19, कितना हो गया भाई 9
19 को लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब 19 का मल्टीप्लीकेशन करिए आप 2 पे, तो कितना आएगा 38। 38 को लिखे 2 के नीचे, मिडिल कॉलम की ही चल रही है अभी बात, देखिए 38 और 2 40 लिखे यहाँ, ठीक है ऐसे। देखिए आपको वीडियो में नजर आ रहा हूँ, 2 और 30 को हम 38 को हमने सॉल्व किया, 38 और प्लस 2 40 को ऐसे लिखा 6 19 40, ये मिडिल कॉलम में आगे सॉल्व होके। अब बारी आती है लेफ्ट हैंड साइड, अब 40 का मल्टीप्लिकेशन आप 2 पे करिए, कितना आ गया 80, कितना आ गया भाई 80 और 4 कितना होता है 84, ठीक है। अब ये तो हुआ क्या रिमाइंडर, लेकिन ये जो रिमाइंडर है वो 8 से क्या है बड़ा है, तो इस वजह से हम इसे 8 से और सॉल्व करेंगे। अब ठीक है, अब ये 8 से कितना बड़ा है 84, 8 टेंजा 8 ये 80 और 8 11 सा 88 होता है, दैट मींस हम इसे कितने बार करेंगे 10 टाइम, तो ये जो 10 टाइम करेंगे इसे हम मिडिल कॉलम में लिखेंगे 40 के नीचे 10, ठीक है। और ये कितने बार जाएगा 8 टेंस आ, तो 8 से जा रहा है हमारा, ठीक है, कितना 80, तो 80 लिख दीजिए, 84 के नीचे 80 लिख दीजिए, कितना रिमाइंडर बच गया 4, तो ये 4 हमारा क्या गया रिमाइंडर। अब बात आती है किसकी, क्वोशेंट की, थोड़ा टफ है ये, पर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने उठाया है। अब बारी आती है किसकी 10 की, क्वोशेंट की, तो अब हम इसे प्लस कर देंगे इन मिडिल कॉलम को, ठीक है। अब 00 एज इट इज 415 और आपका क्या रहेगा 40 प्लस 10 कितना होता है 50 का हम लिखेंगे 0, क्योंकि डबल चीजें हम ऐसे सॉल्व नहीं करें, 40 और 10 50 का 0 लिखिए आप, तो 40 और 50 40 10 50 का हम 0 लिखेंगे, बचा क्या 5 यहां लिखेंगे 19 के नीचे, 19 और 5 कितने होते हैं भाई 24 का 4 लिखेंगे, बचा क्या 2 6 और 2 8, ये हमारा क्या हो जाएगा क्वोशेंट हो जाएगा, कितना 840, ये आपका क्या आ जाएगा क्वोशेंट। इस तरीके से आपको सॉल्व करने, जैसे कि 2 डिजिट है, हमने 2 डिजिट को ही प्लस कर दिया, हम क्या कहते थे 00415, नहीं ऐसे नहीं करना है आपको, क्या है हमने ऐसे डबल डबल नंबर लिए है ना, तो 40 प्लस 10 50 का 0 बचा 5, फिर 19 और 5 24 का 4 बचा 2 और 6 और 2 8, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 840 और 4 आपका रिमाइंडर हो गया बेस 10 का, ये हमने क्वेश्चन देख लिया। अब मैं आप लोगों को एक डिवीजन टिक बताती हूँ, सिंगल डिजिट का ही हमारा चल रहा है, हम सिंगल डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए एक क्वेश्चन में एक डिवीजन ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, ट्रिक ठीक है। ट्रिक क्या है हमारी, जैसे कि हमारे पास क्या नंबर था 6724, अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें भाई 5 से, तो हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं है बहुत इजी है, जैसे कि मैं अभी आंसर निकाल के आपको दिखा रही हूँ, ये आपका आंसर होगा, कितने फास्ट लिख लिया मैंने 1340.8। हाँ कैसे आया ये, कुछ नहीं करना आपको, कोई भी नंबर्स, अगर आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी बस एक ही ट्रिक है, 6724 लिखिए, डिवाइडेड बाय 5 लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए दोनों नंबर को 2 से, 2 डिवाइडेड बाय 2, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा हूँ, 6724 डिवाइडेड बाय 5 मतलब अपॉन बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसका, किससे करा है इसका 2 बाय 2 से, ठीक है। तो इस सिचुएशन में
ये क्या हो जाएगा, 2 से 6, 7, 2, 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 7 2 14 होता है ना, 14 का 4 बचा 8, रिमाइंडर ये हमारा एक बचा है जो ये 2 6 12 और ये 1 कैरी का 1 हमने प्लस कर दिया तो 13 हो गया हमारा और डिवाइडेड बाय 5 2 10, अब 10 है तो 10 का 1.5 यहाँ लग जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, हमारा क्या था, 2 2 4 था, हाँ सॉरी यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने, सॉरी 4 हो जाएगा है ना, तो 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14 की 4 बच्चा 1 कैरी का और 2 6 12 और 1 13 ठीक है, हाँ तो 13 4 4.8 ठीक है, वो 6 नहीं है 4 है ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा था ये 3 नंबर है, नहीं 2 है ये ठीक है, तो ये थर्ड सेम आंसर आ गया आपका ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के साथ 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं है। तो हमने देखा कि हम किसी भी नंबर के साथ 5 को डिवाइड करते हैं तो हम कैसे करते हैं, एक और मैं नंबर ले रही हूँ, ये 3 4 डिजिट का लिया था शायद मैंने, हाँ अब मैं एक नंबर ले रही हूँ 3 डिजिट का, फॉर एग्जाम्पल हम 333 का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से, तो कैसे करेंगे 333/5 × 2/2, तो क्या हो जाएगा ये 2 3 6 2 3 6 2 3 6 डिवाइडेड बाय 10 दैट मींस 6 6.6 ठीक है ना, एक नंबर के पर दशमलव लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 66.6। इस तरीके से आप किसी भी नंबर के साथ 5 का डिवीजन करेंगे तो आप का आंसर पॉइंट में आ जाएगा ठीक है, या फिर आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। अब बारी आती है बेस 100 की, अभी हमने क्या करा था बेस 10 करा था, अब हम बेस 100, एक एक क्वेश्चन बेस 100 और बेस 1000 के ले लेती हूँ ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन, 145/99 ठीक है, अब हम करेंगे वही 3 कॉलम बनाएंगे अपना, अब चूंकि 100 है तो 2 नंबर इधर आएंगे किधर, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में आप 99 लिख लीजिए, 2 नंबर इधर आएंगे तो 5 और 4 आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे, मिडिल कॉलम में 1 ही रहेगा, अभी 100 से कितना कम है 1 कम है ठीक है, 1 एज इट इज लिख दीजिए, 1 × 1 99 का 101 है ठीक है, 1 का मल्टीप्लीकेशन पहले 0 से करें तो 0 और 1 × 1 1 ठीक है, तो 5 और 1 6, ये 45 के नीचे लिखा है 0 और 1 तो 5 और 1 6 और 4 एज इट इज, तो हमारा क्या रिमाइंडर आ गया 46 और कोशेंट क्या आ गया हमारा, कोशेंट आ गया हमारा 1, ये कोशेंट। तो एक क्वेश्चन हमने इसका ले लिया, अब मैं एक क्वेश्चन 1000 का ले ले रही हूँ ताकि हमारा ज्यादा लेंथी वीडियो ना बने ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट पर बताइएगा और हमारे ग्रुप से भी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी क्वेरी रख सकते हैं, मैं आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप QCL से जुड़ सकते हैं। अब मैं बेस 1000 लेके चल रही हूँ ठीक है, बेस 1000 में मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, हाँ 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 8 8 9, 3 बार मैंने 1 लिखा है उसका डिविडेशन डिवाइड कर रही हूँ, मैं डिवीजन कर रही हूँ 889 से, तो कॉलम बना लीजिए वही 3, क्योंकि 3 0 है बेस 100 बेस 1000 में तो 3 नंबर इधर रहेंगे किधर, राइट हैंड साइड में, तो 3 1 लिख लीजिए इधर राइट हैंड साइड में, मिडिल में बचे 3 मिडिल में लिख लीजिए, किससे करेंगे हम 889 में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए आप ठीक है। अब ये 1000 से कितने कम है 889 करिए आप, 889 माइनस 1000 से, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, तो 111 कम है क्या 1000 से 889।
अब हम सॉल्व करेंगे इसे। 889 के नीचे लिख लीजिए 111, ठीक है। अब लाइन खींच लीजिए लेफ्ट टू राइट, थोड़ी बड़ी खींचनी है क्योंकि हमारा 3 डिजिट का है तो थोड़ा ज्यादा सॉल्यूशन आएगा इसमें, तो ये मैं थोड़ा नीचे से खींच रही हूँ, ठीक है। अब पहला नंबर एस इट इज उतार लीजिए आप, मैंने उतार लिया। अब ये 1 का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों वनों से कर लिया, जहाँ 889 के नीचे जो 111 दिखे उससे 1 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 1 एक राइट हैंड साइड में भी जाएगा 1 1 1, ठीक है। अब इसे प्लस कर लीजिए, किसके बाद, एक वन को हमने ड्रॉप डाउन कित लिया मिडिल साइड में, दूसरे वन को हम प्लस करेंगे 1 प्लस 1 2। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम किससे, ये 111 से, ठीक है। तो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 1 2, ये यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना, ये तो सॉल्व हो गया। 2 1 2, मिडिल का लास्ट बचा 2 1 2। अब 2 1 2 और 2 1 2 लेफ्ट हैंड साइड के दो जगह गए, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में दो जगह गए हैं, ठीक है, ये और ये, ओके। अब ये मिडिल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसे हम प्लस कर लेते 2 प्लस 1 प्लस 1 4, ये मिडिल का कंप्लीट हो गया। अब 4 की टेबल, आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है 111 से, तो 4 1 4 इधर लिखिए राइट हैंड साइड में, 4 1 4 और 4 1 4। अब इन्हें प्लस कीजिए, 4 प्लस 1 5, एक क्या आया 4 प्लस 2 प्लस 1 6 और 7, 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 7 और 8 875। ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, 124 आपको क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आप बेस 1000 बेस 100 के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका रिमाइंडर ज्यादा आता है तो आपको क्या कैसे करना है, तो सिंगल डिजिट में मैंने आपको समझा दिया है, आप देखिए कितने बार कट रहा है उससे, जितने बार कट रहा है उसे माइनस कर दीजिए, और जितने बार कट रहा है उसे, मतलब जैसे कि 800 का करा था हमने, 8 से 84 था, तो 8 10 84, 10 हमने क्वेश्चन की तरफ प्लस कर दिया था और 80 को हमने 84 से माइनस कर दिया था, तो जो 4 आया था वो रिमाइंडर है। इस तरीके से अगर आपको कोई रिमाइंडर ज्यादा आता है किससे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बढ़ के आता है, तो आप वही ट्रिक अपना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी डिवीजन ट्रिक और वैदिक मैथ से जैसे डिवाइड करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे ग्रुप QCL चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।